अरे कहाँ लेके? ये आप चिट्टा सूट पहन के कहाँ जा रहे हो? ओ विक्रम दीवान के घर जाना है, उदे प्यो दा अफसोस करने के लिए। ओ चिट्टा नहीं तो क्या रंग बिरंगी सूट पहन के जाऊं? मैनू एक गल समझ नहीं आई, बड़ी हैरानी की गल है। यही ना, वो छठे फ्लोर से गिरा कैसे? ना पुत्र, ए विक्रम दीवान दा प्यो अति रात अस्पताल क्यों गया है? मम्मी जी, सरबजीत जी से मिलने गया होगा ना, और क्या? जरूर कोई दूसरा चक्कर है। मतलब आप ये कह रहे हो कि दाल में कुछ काला है? ओए मेनू ते पूरी दाल ही काली लग रही है। मम्मी जी, ओ ये सब छोड़ो, ओ मेन गलते आओ, मेन गलते। ओ मेन गल आओ। सरबवीर जी, होश आ गया उनको? अब उन्होंने ना पुलिस को सब बता देना और फिर हम तीनों गए जेल में। चलिए मम्मी जी। ओ तू गद्दी विच बैठ, हुने आने आ। जी मम्मी जी, यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हम सब पे जेल की तलवार लटक रही है, और आपको अफसोस करने की पड़ी है। पुत्र जी, जेल से बचने का जुगाड़ लगा रही है। अब हमें जेल जाने से एक ही चीज बचा सकती है, हमें विक्रम दीवान के घर अफसोस करने जाना ही पड़ेगा। तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो। चुप हो या करें? पैन भैया मैं मम्मा को फोन कर रहे हैं ना, पहले चुप होगे फिर पैन भैया मैं मम्मा को फोन करना है। क्यों है मेरे करण? क्यों है ऐसी? करण क्यों रो रहे ऐसी? हाँ क्यों हो गया पुत्र जी? मम्मा का डार्लिंग कौन है? परम और करण। मम्मा को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? परम और करण। बहन मम्मा पापा का है। ये लो परम पुत्र, पापा सो रहे हैं। अब भी पापा के पास जाओ ना। जैसे ही आप परम और करण को इकट्ठे देख रहे हो, वैसे ही परम और करण को आपको इकट्ठे देखना है। ओके। क्या ओके? आपकी हाफ नोजी दिख रही है बस, आप पूरे दिख रहे हो। आप बताओ परम
मम्मा करण के डार्लिंग कौन है? करण मम्मा और पापा। परम और करण को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरे मम्मा और पापा। बताओ परम ने किसी किसको दी, मम्मा को या पापा को? दोनों को। पुत्र जी आप बड़े ही स्वीट हो, मन कर रहा है आपको एक जोर से किस कर दूं। तू कर दू ना। लेकिन अभी तो मम्मा आपसे दूर है ना। ओफो मम्मा बड़ा सिंपल है, पापा भी तो आपको दूर से किसी करते थे। पापा कैसे? जब आप एक बार नानी घर गए थे तो। पर मुत्तर आपकी मेहर मम्मा की ना बड़ी याद आ रही, पर क्या करें वो इतनी दूर जो। आइडिया, उन्हें किसी भेज देते। कैसे? ये आपकी मेहर मम्मा के लिए, ये आपके लिए, मेहर मम्मा के लिए, आपके लिए, मेहर मम्मा के लिए, आपके लिए, मेहर मम्मा के लिए, आपके लिए। उस दिन पापा ने परम को 100 किस्ती की होगी, इसलिए आप तो सट्टा परम वाली किस्ती पापा को करो, आपकी वाली किस्ती परम करण को करता है। ओके? एक सेकंड परम पुत्र, मेहर मम्मा आपको बाद में करती हैं। ओके ओके मेहर मम्मा, बाय बाय। आत्मा नु शांति दे परमात्मा। ओ पहन जी कैसे हुआ अचानक ये सब? मम्मी जी प्लीज बैठ जाइए आप। ओ बैठ जाऊं? ओ ब्रिगेडियर साहब इतने बड़े आदमी चले गए हैं और तू कहती है बैठ जाऊं? ओ पहन जी ओ ए की कितना रब ने, ओ मेनू ते साजिश लगती है। जी अपनी किस्मत देखो, ओ कल करवा चौथ है और आज आप विधवा के निवास पे। आयो रब्बा इन्ना बड़ा जुल्म, इन्ना बड़ा जुल्म। कुलवंत कौर जी आओ जी, आइए आपसे कुछ बात करनी। चाहती क्या है? ओ मानव जी अब मेरा मतलब विक्रम दीवान जी, मेरा तो जी दुनिया से मन हट गया है। आ देखो जी ब्रिगेडियर साहब ओ इन्ने चंगे इंसान, और रब से तो जी मेरा भरोसा ही हट गया है।
वो क्या कुछ नहीं दिया जी इन्होंने आपको, इतनी चंगी फैमिली, इतनी चंगी माँ। वो जुआई जी को होश आ गया, उन्होंने हम माँ पुत्रों को मानव के कत्ल में जी जेल पहुंचा देना जी। हम तो कल कचहरी में जाके उस सफाई में साफ साफ कह देंगे जी कि मानव जिंदा है। फिर पुलिस छाछ पीछ करेगी जी और सच सामने आ जाएगा कि विक्रम दीवान यानी कि आप जिंदा हो। हाय रब्बा, वो आपकी मम्मी जी दिल की मरीज है, पता नहीं ये सदमा सह पाएगी या नहीं। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम सच्चाई सीमा को नहीं बताओगे, तुम हमेशा हमारे विक्रम बन के रहोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ मैं तुम्हारे विक्रम। हाय बिचारी, वो कैसे टूट गई। लेकिन आप जी बिल्कुल फिक्र ना करो, वो पुलिस की जांच पूछ करने से पहले ही आप उनको बता दो जी कि आप विक्रम दीवान बनने का नाटक कर रहे थे, असल में आप ही मानव हैं जी। करेक्ट, शर्म आनी चाहिए आप। आप ऐसे वक्त पे किसी की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं, इतनी घटिया सोच आपकी। ओए, अपनी जान बचाने के लिए कुलवंत कौर बंदे को दुनिया से उठा देती है तो फायदा तो बहुत मामूली चीज है जी। मेरे को जेल जाने से बड़ा डर लगता है, लेकिन अगर मेरे को कोई जेल जाने से बचा ले तो ये राज राज ही रहेगा। जब मैं तेरे को मिली थी तेरे पास कुछ नहीं था, अनाथ था तू, लेकिन आज तेरे को देख के बड़ी खुशी होती। आज तेरे पास माँ है, वो भी जिंदा। वो पति के बिना पत्नी की जिंदगी ऐसे होती है, पिच्छू से काटा बंदा वो ना जी सकता है ना मर सकता है। वो मैनू ही देख लो, मैं भी जी बिल्कुल आपकी तरह हूं। मेरे को पता है, मेरे को पता है कैसे पाला है जी मैंने बच्चों को। बस जी बस, वो अपनी औलाद ही होती है जी, हम विधवाओं का सहारा। वो जी आपके पास भी है जी, आपका मुंडा। ब्रिगेडियर साहब की इकलौती औलाद, आपका अपना खून विक्रम दीवान। ओए रब्बा, ओ बहन जी, इसके लिए जीना है आपको। ओ हौसला मत छोड़ना, कल कोई सुख नाल आपके पोती पोता होंगे। ओ जी वंश अग्गे बढ़ेगा जी, वंश अग्गे बढ़ेगा। ओ हिम्मत रखो बहन जी, हिम्मत रखो, ओ हौसला नहीं छोड़ना। थोड़ा थोड़ा समझदार है तुम्हारा पुत्र, वो आपको आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चंगा जी, सत श्री अकाल।
होया? फिर चपेट क्यों मारी है आपने? ओवर एक्टिंग के लिए। और रो तो ऐसे रहे थे कि विक्रम दीवान दा पियो नहीं तो अड्डा क्यों मर गया। आराम करो, बूथियों पे स्माइल लाओ। चलो वो छेती करो, वो 10 किलो मिठाइयां ते फ्रूटा दा टोकरा खरीदना है। मिठाई, फल फ्रूट किस खुशी में मम्मी जी? अरे वट्टे, की हाल है सरदार जी? तबीयत किस तरह है? ठीक है दी, तुसी विक्रम जी दे घर गए सी? दी, आंटी ठीक है ना? नहीं, रो रो के बुरा हाल है उनका। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले तुझ पर अटैक हुआ, फिर सूर्य अंकल की डेथ। सरब, मैनु तेरी बहुत फिकर हो रही है। किसने तुझ पर अटैक किया? कौन है वो? अभी तक तो ये सब कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे माफ कर दो विक्की, ये बात अपनी मॉम को पता नहीं लगने देना। जल्दी पता चल जाएगा दी, तुझे फिकर ना करो। फिकर कैसे ना करूं? हिक्को एक तप रहा है मेरा। और तू बिल्कुल फिकर ना कर, मैंने डीएसपी झांझुआ को बोल दिया है कि वो इंक्वायरी की स्पीड बढ़ाएं। मुझे जल्द से जल्द अटैकर का नाम चाहिए, बस। और तुसी दोनों कान खोल के सुन लो, अंदर शरीफों की तरह पेश आ। और जैसे जुआई जी को देखो, उनके पैर पकड़ लेना और जोर जोर से रोने लगना। वो कहना कि तुआडी वोटियां मां बनन वाली है। ए? ए? जी तो मां बनने वाली है। मम्मी जी, गिन्नी ने तो ये गुड न्यूज मुझे दी नहीं। हाय रब्बा। ओए नाटक करना नाटक। ओ अच्छा, वो तुहानू पता है ना, वो जुआई जी को बच्चों से कितना प्यार है। वो 24 घंटे परम परम करण करण करदे रहंदे ने। उनको जब पता चलेगा कि जीतो और गिनी मां बनन वाले ने, तो उनका दिल पिघल जाना है। जी मम्मी जी। ओ ससरी काल जुआई जी, ससरी काल। ओ जुंदे रो, वडिया उमरा हो, जुआनिया मानो जी, जुआनिया मानो। ओ जी, कल के अटैक की तफ्तीश हो रही है। बिल्कुल जी, जरूर करो जी, जरूर करो। ओ जी, मैं बाद में आती हूँ। चलो जी। रुको मम्मी जी, ये कल जो हुआ था उसकी नहीं, बल्कि 1 साल पहले जो अटैक हुआ था उसकी तफ्तीश चल रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदर इन लॉ है सरपंच कुलवंत कौर ढिल्लों, अक्यूज नंबर 1, और ये दोनों मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, बिट्टू अक्यूज नंबर 2 और राणा अक्यूज नंबर 3। आप इन तीनों को अरेस्ट कर लीजिए। जी सर। हायो रब्बा, हो हायो रब्बा। और रब से डरो जुआई जी, रब से डरो। वो सास माँ बराबर होती है और साले भाइयों जैसे होते हैं। वो आप माँ और भाइयों को जेल डालना चाहते हो। हे भगवान, हे रब, ये दिल दिखाने से पहले जी मुझे उठा क्यों नहीं लिया? आहो, कुछ तो तरस खाओ वीर जी। वीर जी, हम दोनों पेट से हैं। मेरा मतलब, हम दोनों की वोटियां पेट से है वीर जी। जीतो गिनी बाप बनने वाले हैं। तुसी फुफड़ जी, ओ मैंने कोई जुर्म कोई गुनाह नहीं किया है। ओ मैनू तुहाड़ी सौ लगे। खबरदार, जो आपने सरबजीत जी की कोई झूठी कसम खाई तो। और बस करो अपना ये ड्रामा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। चलो। ओ शाबाश पुत्रा, शाबाश। ओ जिस माँ ने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया और 9 महीने अपने पेट में रखा, तू उसी माँ ने जेल भेजना चाहती है? बस करो मम्मी जी, माँ और माँ की ममता को बीच में मत लाइए। एक अच्छी माँ किसी की जान नहीं लेती है,
किसी की पीठ पे छुरा नहीं घोंपती। उस मासूम मानव के साथ आप तीनों ने जो भी किया उसकी सजा आप तीनों को मिलकर रहेगी।